हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम ब्लूटूथ ईयरफोन रिपेयर करने वाले हैं। ओके, ये मेरा भाई था, उसके ईयरफोन है तो मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आए हैं। ओके, तो उसका कहना है कि ये ऑन ही होता नहीं है। ओके, तो उसमें आज हम डायग्नोस करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो इंजीनियर पवन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे, ये इजीली खुल जाता है, तो आप इसे इजीली खोल सकते हो। ओके, तो आप लेफ्ट और राइट दोनों ईयरफोन ओपन करेंगे हम। ओके, देखो फ्रेंड्स, इसके राइट साइड में एक पीसीबी होता है और लेफ्ट साइड में इसका बैटरी और एक स्पीकर होता है। ओके फ्रेंड्स, हम मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। ओके, अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, तो देखो हमारा बैटरी वोल्टेज 3.94 यानी 3.9 यानी 4 वोल्ट के आसपास है। ओके, तो बैटरी ठीक है। ओके, जो अभी हमारी पीसीबी है तो उस पर हम वहाँ पे अभी मल्टीमीटर से अभी हम वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो ये राइट साइड वाला हमारा ईयरफोन, तो उस पर हम मल्टीमीटर लगा के वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे क्या आखिर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ओके, तो देखो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कम वोल्ट आ रहा है यानी 1.9 यानी लगभग 2 वोल्ट के आसपास आ रहा है, यानी वायर में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, वायर चेक कर लेंगे। ओके, तो हमने मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से लगाया है। ओके, और नेगेटिव हमने पीसीबी में राइट साइड में लगाया है। ओके, तो देखो वोल्टेज आ रहा है यानी हमारा नेगेटिव वायर ठीक है। ओके, इस तरह से अभी हम पोलैरिटी चेंज कर देंगे। देखो अभी हमने मल्टीमीटर का नेगेटिव हमने बैटरी के नेगेटिव से लगाया है और पॉजिटिव हमने पीसीबी पे वहाँ पे लगा दिया है लेड वायर में। ओके, तो देखो यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है यानी कि इसकी बैटरी का जो लेड वायर था प्लस पॉइंट, तो उसमें प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है यानी 1.5 के आसपास वोल्ट आ रहा है, तो उसका वायर खराब था इसलिए हम वायर वहाँ पे चेंज कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने वायर निकाल लिया है। ओके, इसमें ज़्यादातर वायर का प्रॉब्लम आता है। ओके, तो आप कोई भी ओल्ड वाला जो ईयरफोन लेता है पुराना, तो उसका वायर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो ये स्पीकर के वायर मैंने थोड़े ऊपर से काट लिए है। ओके, क्योंकि वह हमें वहाँ पे ज्वाइन करना होगा, तो पहले हम वहाँ पे थोड़ा सा इंसुलेशन उसका हटा देंगे। देखो मैं स्मोकिंग तो नहीं करता, इसलिए मुझे माचिस जलाना नहीं आता, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, तो देखो आपको अच्छे से यहाँ पे इंसुलेशन हटा देना है ताकि अच्छे से यहाँ पे सोल्डर हो पाए। ओके, हमें सोल्डरिंग करना है उस पर, तो आप अच्छे से उसका इंसुलेशन हटा दोगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम वहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगा के वहाँ पे थोड़ा सोल्डरिंग कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास एक पुरानी वायर थी तो उसे भी हमने रेडी कर लिया है, इस तरह से शोल्डर उस पर थोड़ा लगा दिया है। ओके, नॉर्मल शोल्डर वहाँ पे लगा देना है। अब हम वहाँ पे सोल्डरिंग कर लेंगे जो राइट साइड का ईयरफोन है उसमें। हाँ, ओके, तो पहले हम उसका जो एक साइड में होल्ड रहता है उसमें से हम वायर पास कर लेंगे और हमारी पीसीबी जो है उस पर हम सोल्डरिंग कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान से करना है। ओके, देखो जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम काट लेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पीसीबी पे लिखा होता है कि बैटरी माइनस और बैटरी प्लस वहाँ पे, तो आपको देख लेना है, आप अच्छे से अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसकी तरह से यानी इस तरह से आपको सिंपली कनेक्शन कर लेना है। ओके, अब हम ईयरफोन हमारा सोल्डरिंग कर लेंगे जो हमारा लेफ्ट साइड का था। ओके, जिसमें हमने बैटरी और ईयरफोन था। ओके, अब इस तरह से हम
बैटरी भी वापस ऑर्डरिंग कर लेंगे। आपको पूरा लेने का ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने सोल्डरिंग पूरा कनेक्शन कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पावर की प्रेस करके रखेंगे और देखते ही एक्टिवेट होता है कि नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑन हो चुका है ब्लूटूथ। ओके, तो इस तरह से ये एक्टिवेट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हो आप फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आता नहीं है। ज़्यादातर इसमें वायर का प्रॉब्लम आता है या फिर बैटरी का इश्यू इसमें आता है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, और इस तरह से रिपेयरिंग की वीडियो और भी कुछ टेक्निकल वीडियोस और भी सर्किट डिज़ाइनिंग, तो वो सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय।